समाज की महिलाओं को आज भी कुछ मंदिरों में उन्हें पूजा पाठ आदि करने के लिए नहीं जाने दिया जाता है, जिसको लेकर इस समय महाराष्ट्र स्टेट के एक मंदिर प्रकरण में वहाँ महिलाओं को जबरदस्त प्रदर्शन भी महिलाओं का वहाँ जबरदस्त प्रदर्शन भी चल रहा है। अपने देश में ये कैसी विडंबना है कि जिन मंदिरों में पुरुष मठाधीश व पुजारी लोग महिलाओं को पूजा पाठ आदि करने से रोक रहे हैं, तो उन्हें इस बात को भी जरूर ध्यान में रखकर चलना चाहिए कि उनको जन्म देने वाली भी महिलाएं हैं जिनकी ये लोग अब इस प्रकार से उपेक्षा कर रहे हैं। मेरा बहुत इसमें स्पष्ट कहना है कि भारत के हर नर नारी को मंदिर में जाने का, दर्शन करने का, पूजा पाठ करने का अधिकार जो संविधान में है वही सबको मिलना चाहिए। धर्म के जो कानून कायदे नियम है तो उनके ऊपर ये छोड़ देना चाहिए तो ये ज्यादा बेहतर होगा, क्योंकि इसको लेकर बिना वजह पूरे देश में सांप्रदायिक तनाव पैदा हो, अशांति पैदा हो, तो मैं समझती हूँ वो ठीक नहीं है। तो जबरदस्ती उधर जाना तो ये अच्छी बात नहीं है, उनके जो धार्मिक गुरु हैं उनसे बात करनी चाहिए। देखिए, मैं एक चीज कहना चाहूंगा, जो धर्म से जुड़े हैं, मजहब से जुड़े हैं, उन मामलों में संवेदनशीलता बरती जानी चाहिए। कहीं ऐसी कोई परिस्थिति न हो जिससे किसी की भावनाओं को चोट पहुंचे। ये जिम्मेदारी सरकार की है कि कानून व्यवस्था बनाए।